हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। अभी 5:30 बजे, आज मंडे है और आज हमारा कपीर भी बहुत जल्दी जग गया। ये देखो, उसकी वजह से और जिसकी वजह है ये खांसी, कपीर को खांसी आ गई है और कपीर पी रहा है गर्म पानी। है ना कपीर, लो पी लो जी। दोस्तों, मैं आज सुबह सुबह बहुत ज़्यादा टेस्टी और हेल्दी डिश बनाने वाली हूँ, तो मैंने इसमें थोड़ा सा दही लिया और रवा डाल दिया। रवे को हम घोलेंगे, हल्का सा ज़रूरत है तो हम हल्का सा पानी लेंगे और मैं इसको ज़्यादा मतलब गीला नहीं घोल रही, क्योंकि दाल अगर गीली होगी तो इसके साथ मिक्स होकर बराबर हो जाएगी। मैंने 1 कप मूँग की दाल, तो आधे कप चने की दाल इस तरह से एक बनाया था रेशियो, ऐसे लिया है और आप भी ऐसे ले सकते हो। और आधे कप ही मैंने चावल भी भिंगो के रखा था, जिसको 2 घंटे हो गए हैं और चावल भी अच्छी तरह भींग चुके थे। और इनको भी हम धुल के दाल के साथ इसको भी पीसेंगे, तो इसका पानी अच्छी तरह से निकल जाएगा, निकाल देंगे, क्योंकि मूंग की दाल ना थोड़ा सा वैसे भी गीली पिसती है, गीली गीली हो जाती है बाद में। तो हम इसको ऐसे करेंगे और मैं हल्का सा इसमें दही डाल दूंगी, 2 चम्मच की। और यह जो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाती है दही डालने पे, अच्छी दाल बिल्कुल जब पिसेगी ना तो अच्छी सी। और इसमें अदरक मैंने थोड़ा सा डाला, अदरक से भी इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। और इसको हम पीस लेंगे। ये इडली बहुत ज़्यादा हेल्दी पीस रहती है। देखिए, मेरी दाल भी पीस चुकी थी और मैंने इसमें रवा भी डाल दिया जो घोल के रखा था, और इसको मिक्स कर लिया। इडली स्टैंड भी तैयार कर लिए घी लगा के, घी या तेल आप कुछ भी लगा सकते हो, और बस हम फिल कर देंगे। मैंने गैस में बर्तन रख दिया और देखिए पानी ना थोड़ा सा नीचे ही रखा, और बस हम दाल में हमने 1/2 चम्मच से थोड़ा कम नमक डाला, क्योंकि चटनी में भी नमक रहेगा। और 1/2 चम्मच से कम मैंने इनो लिया, तो इनो डालने से थोड़ा और सॉफ्ट और इडली बनती है। तो बस इसको हम पानी, हल्का सा पानी डाल के और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। बस तुरंत से हमारा स्टैंड भी रेडी है, तो जल्दी से फिल करते हैं और स्टैंड में लगाते हैं। बस हमारी इडली मतलब 12-13 मिनट में बिल्कुल रेडी हो जाएगी, 12-13 मिनट में पक जाती है। बस 12-13 मिनट लगेगा, टाइम देखिए और बस निकाल लीजिए। जब तक मेरी इडली पक रही थी तो मैंने इसकी चटनी बना ली और 3-4 जवा लहसुन डाल दिए, और लहसुन बहुत अच्छी लगती है इसमें। और मैंने मूंगफली दाना लिया, 3 चम्मच दही डाला और हल्का सा नमक, और इसको हम पीस लेंगे। और ये चटनी बहुत जल्दी सिंपली बन जाती है, और हल्का सा पानी डाला और पानी डाल के मिक्स पीसेंगे। देखो, हम पीस चुकी है, मेरे पास करी पत्ता नहीं था, चलो करी पत्ता लेके आते हैं। इनकी जो खुशबू होगी ना वो अलग ही होती है, ये बिल्कुल ताजे हरे हरे करी पत्ते ना। देखो मौसम आज बहुत बारिश हुई है, पूरा गीला गीला हो गया। कबीर की मैंने अलग करके और उसमें मिर्च डाल के और इसको पीस दिया, और फिर तड़का हम तैयार कर रहे हैं। तड़के में मैंने थोड़ा सा तेल डाला, तेल थोड़ा ज़्यादा हो गया, और राई डाल दिया और करी पत्ता डाला, इससे आधा तेल लेंगे वैसे तो भी हो जाता है। अब बस मैंने करी पत्ता डाल दिया और बस मेरी इडली भी तैयार हो गई है। 13-14 मिनट हो चुका है और मेरी इडली का अच्छी तरह से पक चुकी है। तो आप चम्मच से ऐसे डाल के देखोगे ना तो चिपकेगा नहीं, तो मतलब इडली रेडी हो चुकी।
और मेरी चटनी भी तैयार हो गई है। इडली को हम थोड़ा ठंडा होने देंगे फिर निकालेंगे, तो बहुत अच्छी निकलती है। लेकिन कबीर के पापा को जल्दी जाना था तो देर हो रही है उन्हें, तो मैं जल्दी से निकाल रही हूँ। देखना हल्का सा चिपकेगी, और ये देखो हल्का चिपक गई। आप बनाइए तो हल्का ठंडा होने दीजिए फिर निकालिए। देखिए मैं भी पहले तो निकाल के दे दिया, तो ऐसे ही हम देखिए बाद में जो मैंने निकाली वो बिल्कुल भी नहीं चिपकी और अलग से बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बने इडलियाँ मेरी, और देखो बिल्कुल भी नहीं चिपकेगी, तुरंत से अच्छी तरह से अलग हो जाएगी। भाई भी ब्रेकफास्ट करके ड्यूटी जा रहे हैं और मैं और कबीर थोड़ी सी मस्ती कर रहे हैं, फिर कबीर मेरे साथ गेम खेल रहे हैं। येलो पिंक निकल आई, सॉरी फिर पिंक। अभी हम लोग कोची जब आए ना मुंबई से, तो ये गद्दे खरीदे, मतलब 10-15 दिन हो गए, और ये मॉल से लिया था और जल्दी जल्दी मैं ऐसे ले लिया ना, कि देखो इसका साइज ही पहली बात है इतना बड़ा है, हैं मतलब एक पिलो के बराबर इसकी लेंथ ज़्यादा है, और साथ में ये इसका जो है ना वो भी बहुत ज़्यादा टाइट है, मतलब बिल्कुल भी नींद भी नहीं आती, और सर में दर्द, पूरी बॉडी में पेन होने लगता है इसमें लेटने के बाद। ताली लो, ताली, ताली। नहीं नहीं हेलो टोटो। मैंने नहाया, फिर कबीर को भूख लगी थी तो मैंने थोड़े से पॉपकॉर्न बनाए खाना बनाने के पहले, फिर पॉपकॉर्न बैठ के खाएंगे। कुछ देर बाद पेंटिंग करने लगा, जब तक उसने पेंटिंग एंटिंग की तो मैंने खाना रेडी कर लिया दोपहर का, वो आराम से बैठ के पेंटिंग किया, फिर थोड़ा सा कितने मज़े आ रहे हैं उसको करने में ना। पेंटिंग करने के बाद कभी ट्रेसिंग करने लगा, ट्रेस कर रहे हैं नंबर, फिर हाँ तो बच्चों को ट्रेसिंग से भी आप सिखा सकते हो। ट्रेसिंग के लिए जो भी बुक परचेज करो लो, तो बड़े साइज का देखो कि मतलब नंबर्स अल्फाबेट्स वो थोड़े बड़े हों, क्योंकि बच्चे छोटे बच्चे ट्रेस करने के लिए उन्हें छोटे नंबर्स अल्फाबेट नहीं चाहिए, उन्हें बड़े बड़े लिखे हुए हों, वो बुक लो, या तो खुद बना के दे दो किसी नोटबुक में, तब भी बच्चे आराम से करते हैं। स्टार्टिंग में बच्चों को आप लाइन दे सकते हो, स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, और ऐसे मतलब डॉट डॉट करके दे दो, तब भी बच्चे करेंगे। थोड़े बड़े बड़े से एल्फ बनाओ, और मैं देखो कभी जब तक वो कर रहा है, बस मेरी रोटियां बची हैं थोड़ी सी, और सारा काम फिनिश हो गया, बस मैं रोटी सेक लेती हूँ और मेरा खाना, और रोटी सेकने के बाद बस दाल फ्राई करने को बची है। दाल थोड़ा सा जीरे से फ्राई करूँगी ऐसे ही, और मैंने चने और मूंग की दाल थोड़ा सा जो सुबह भिगोया था इडली के लिए वही बचा ली थी, उसी से बनाया मैंने। जीरा और घी से उसको बघार दिया, बघार लगाई, और बस मैं रोटियों में घी लगा के रखे दे रही हूँ जल्दी से, और साथ में अब जल्दी से सैलड कट करती हूँ। मैंने आज मसाला गोभी और दाल ये बनाया है, राइस आज मैंने नहीं बनाया क्योंकि कबीर को भी जुकाम है, तो मैंने नहीं इसकी वजह से राइस बनाया, और बस कबीर की मैंने थाली रेडी कर दी थी। खाना ना खा के थोड़ा सा कबीर ने रेस्ट किया, फिर शाम हो गई। शाम को मैं डिनर की तैयारी करने लगी क्योंकि जल्दी से बनाना था, तो मैंने इसके लिए जीरा और सौंफ भूंजे, मैं बना रही हूँ आलू का पराठा, तो जीरा और सौंफ को ना हल्का सा ऐसे भून लिया, और इसको मैं ना मिक्सी में नहीं कर रही क्योंकि ज़्यादा नहीं है, तो मिक्सी में अच्छी तरह नहीं पीस पाता, तो मैं इसे ही हुरसे में ही इसको पीस दे रही थी। और मैंने आलू भी अच्छी तरह से हवा में रख दिया था छील के कि ये ठंडी हो गई हैं, और मैंने इसे वही जीरा वाला मसाला डाला और नमक डाल दिया, लाल मिर्च डाला, थोड़ा सा गरम मसाला डालेंगे
और इसको मैंने धनिया और प्याज कट करके रखा। मैं हल्का सा प्याज भी डालती हूँ क्योंकि मुझे प्याज भी बहुत अच्छा लगता है आलू के पराठे में, थोड़ा सा टेस्ट ना ये डिफरेंट कर देगा। और मैं कबीर का थोड़ा सा अलग करके रखे ले रही हूँ और हल्का सा मैं मैगी मसाला डाल ली हूँ। मैं कभी कभी मैगी मसाला भी डाल देती हूँ। ये सीक्रेट है, फौजियों को आलू का पराठा बहुत ज़्यादा पसंद होता है क्योंकि भाई जब भी किसी के लिए बनवा के लेके जाते हैं ना तो केवल एक डिमांड रहती है, आलू का पराठा, उसके सिवा कुछ भी नहीं आज तक। यह दुनिया में इतनी सारी डिश है केवल, लेकिन आलू का पराठा ही अच्छा लगता है। और अच्छी यार हमारी भी किस्मत है, फौजी को बना के आलू का पराठा दे रहे हैं ना उनको, फौजियों को आलू का पराठा बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। ऐसा नहीं वो भी मैं ही अकेले बना के दिया, मैं जिसको भी सुनती हूँ ना केवल एक ही डिमांड घर से वाइफ से बनवाने की आती है, आलू का पराठा। इसका मतलब क्या है, फौजियों का आलू का पराठा ज़्यादा अच्छा लगता है क्या? हाँ शायद, अब इससे तो यही समझा जा सकता है ना। आलू का पराठा बनाना भी थोड़ा लेकिन टफ है क्योंकि यार स्टार्टिंग में मुझे इसे बिल्कुल भी नहीं बनते थे, सारे चिपक जाते थे तवे में अगर तो। लेकिन जो कुकिंग करता रहता है ना वही अच्छी तरह से बना सकता है शायद इसीलिए। और दोस्तों अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन क्लिक करो कि मेरा नेक्स्ट वीडियो मिल जाए, और मेरे वीडियो को लाइक भी करना और ढेर सारे फ्रेंड्स को शेयर करना। आलू के पराठे के लिए आलू बिल्कुल ठंडी होनी चाहिए और बिल्कुल अच्छी तरह से मिक्स होना चाहिए और आटा ना सॉफ्ट होना चाहिए। मैं बना रही हूँ रायता, तो रायते के लिए मैंने दही ले लिया है और इसमें हल्का सा पानी डाल के इसको मिक्स कर रही हूँ। और फिर इसमें मैंने थोड़ा सा लाल नमक डाल दिया और हल्का सा वही जीरा वाला पाउडर डाला, धनिया पत्ता डाल दिया और मैंने बूंदी डाली और थोड़ा सा मैंने सफ़ेद नमक भी डाला था इसमें, लाल नमक और दोनों नमक थोड़ा थोड़ा सा डाला और इसमें कटा हुआ धनिया और मिर्च डाल दिया। और मेरे पराठे बनके रेडी हो चुके हैं और अब थोड़ी देर में कुछ देर बाद कबीर और मम्मा खाएंगे। और दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी और ढेर सारी अच्छी अच्छी रेसिपीज़ लेके। और बस बाय।